सब्सक्राइब कीजिए इसका एकेडमी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मिले हर अपडेट आपको सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूं गेट में आए हुए कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से है और ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए बॉक्स कंटेन्स फोर रेड बॉल, फोर ग्रीन बॉल, फोर ब्लैक बॉल बॉल्स। थ्री बॉल्स आर प्लेड आउट ऑफ द बॉक्स एट द रैंडम वन आफ्टर अनदर। ये ध्यान देने वाली बात है। विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थ्री बॉल्स इज रेड। ठीक है, ये कहा गया है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बॉल रखा हुआ है। ठीक है, वो बॉल रखा गया है, 12 बॉल है, कुछ बॉल रखा हुआ है और इसमें से रैंडमली निकाला गया बॉल है। रैंडमली अगर हम निकालें इसमें से बॉल, तो उसमें से तीनों के तीनों बॉल जो है वो रेड आने की क्या चांस है। पहले तो उसमें डाल दिया गया है फोर रेड, फोर ग्रीन, फोर ब्लैक, टोटल हो गया कितना, 12 बॉल। टोटल इसमें 12 बॉल में है, फोर रेड बॉल, फोर ग्रीन बॉल, फोर ब्लैक बॉल, टोटल हो गया कितना, 12 बॉल। अब हम इसमें से रेंडमली निकालेंगे। रेंडमली मतलब बॉल रखा हुआ है, सब सेम साइज का है। आंख बंद किया मैंने, उसमें आठ डाला बॉक्स में, एक बॉल निकाल के इधर रख दिया, फिर आंख बंद किया निकाल के रख दिया, फिर आंख बंद किया निकाल के रख दिया, यानी कि रेंडमली बिना देखे। ठीक है, तो वो तीनों बॉल जो मैंने निकाला वो तीनों जो होगा वो रेड होने की क्या चांसेस है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों ने क्या किया था, इसको बनाने थे इसमें क्या गलती किया उसने, तो बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट लगाए उसने। लगाया कि जैसे पहली बार निकाला तो पहली बार रेड होने के हैपेंस होने मतलब संभावना होने की, उसमें इवेंट की जो संख्या है वह कितना है, फोर, मतलब कि फोर रेड बॉल है, फोर जो है आपका रेड बॉल है, तो आपका प्रोबेबिलिटी विच फेवरेबल आउटकम जो है फोर है, तो फोर अपॉन में टोटल आउटकम्स कितना है, 12। और उसके बाद कर दिया क्या, प्लस बचा उसमें एक निकाल चुके हैं तो बचेगा थ्री रेड, तो थ्री बटा 12 प्लस फिर कर दिया क्या, 2/12। ये कि जो कि गलत है, इससे आप करोगे तो बिल्कुल आंसर कोई सा भी आंसर मैच नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इसमें कैसा कंसेप्ट लगाएंगे, इसका अप्रोच क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी रैंडमली, रैंडम प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए रैंडम प्रोबेबिलिटी अगर होती है तो उसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका मैं बता दूं आपको कि आपके देखिए फोर बॉल है रेड, तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल बॉल है 12, तो ये हो गया टोटल आउटकम्स, तो 4/12। ये पहली बार के लिए इतना प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट टाइम्स के लिए। सेकंड टाइम यानी कि तीन बार निकाला गया है, देखिए थ्री बॉल्स आर प्लेड आउट आफ्टर अनदर, मतलब कि अलग अलग एक एक बार करके निकाला गया। अब ये एक बॉल निकाल चुके हैं तो उसमें नेक्स्ट टाइम जो निकालने जाएंगे तो उसमें कितना बॉल बचा रहेगा रेड कलर का, तीन, यानी कि इसमें से तीन बचा रहेगा, तो 3/ यहाँ टोटल में से भी कम हो गया है, टोटल कितना 11। फिर नेक्स्ट टाइम 2 बचेगा रेड और टोटल कितना बचेगा 10। अब आप अगर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कैलकुलेट करते हैं तो आपको जरूर इसमें से कोई ना कोई आंसर मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये कट गया किससे, 3 जा में, 3 से ये कट गया और ये इससे 5 जा में, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 नीचे 5, 11 जा 55। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन फ्रीक्वेंटली इन गेट एग्जामिनेशन। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं गेट एग्जाम में। तो आई होप कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी का है, बेसिक सा क्वेश्चन है। वीडियो का बैकग्राउंड में टोन सुन रहे होंगे आप लोग, मैं एक्चुअली ये वीडियो दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है और अगल बगल के शोर शराबे आ रही हैं, बगल में दोस्त लोग पियानो वगैरह बजा रहे हैं तो इस वजह से ये वीडियो में बैकग्राउंड साउंड आ रहे होंगे। ज़्यादातर मैं वीडियो रात को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि शांत माहौल मिले और क्लियरली आवाज़ रिकॉर्ड हो पाए, लेकिन अभी मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो उसके लिए आई बहुत बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मतलब कि माफ़ी मांगूंगा उसके लिए। सब्सक्राइब कीजिए इसका एकेडमी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मिले हर अपडेट आपको सबसे पहले।